दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो भी आईपीएल के फैन है तो उन अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। कल के मुकाबले की पूरी मैच समरी, कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड्स बने, क्रिस गेल हुए बाहर, धोनी ने फिर से रचा इतिहास, सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल की सबसे बेकार टीम, अपडेटेड पॉइंट टेबल, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस तेज और भी ढेर सारी अपडेट्स आपको आईपीएल से जुड़े हुए बताने वाले हैं। आईपीएल चल रहा है और अपने इस वीडियो के जरिए आपको आईपीएल की दुनिया की हर एक जानकारी बताते हैं और हर एक हलचल को कवर करते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और यह हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 285वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर के वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 विकेट से जीत हासिल कर ली, लेकिन उम्मीद के विपरीत सनराइजर्स हैदराबाद ने कड़ी टक्कर दी चेन्नई सुपर किंग्स जैसे टीम को। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 134 रन बनाए 7 विकेट खोकर, जिसमें सबसे ज्यादा रिद्धिमान शाह ने 44 रन बनाए और बाकी वही सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों का फ्लॉप प्रदर्शन जारी रहा। इसके जवाब में बेहद ही मजबूत दिख रही चेन्नई सुपर किंग्स ने इस लक्ष्य को हासिल किया, लेकिन एक समय ऐसा भी लग रहा था कि चेन्नई की टीम नहीं जीत पाएंगे, तो तारीफ करनी होगी सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की जिन्होंने आखिरी दम तक लड़ा। और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे जॉस हेजलवुड, जिन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। वैसे दोस्तों आईपीएल के मुकाबलों से आप करोड़ों जीत सकते हैं एमपीएल ऐप के जरिए। बाकी के ऐप्स आपको करोड़ों जिताने का दावा करते हैं, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे रियल ऐप जो आपको लाखों तक जिता सकता है इस आईपीएल में वह है एमपीएल ऐप। इसमें सबसे कम मार्जिन है और सबसे तेज मनी ट्रांसफर है, कोई फ्रॉड नहीं है, रियल पैसा है, रियल लोग हैं और रियल विनर्स हैं। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें और खुद देख लें कि हम सच बोल रहे हैं कि गलत। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कल के मुकाबले के बाद चेन्नई सुपर किंग्स आधिकारिक तरीके से आईपीएल की पहली ऐसी टीम बन चुके हैं जो प्लेऑफ में पहुंचे हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद पहली ऐसी टीम बनी है जो आधिकारिक तरीके से प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन प्लेऑफ में पहुंचे हैं और पिछले 12 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स 11वीं बार प्लेऑफ में पहुंचे हैं, जो किसी भी टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। सिर्फ पिछले साल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाए थे। 2015 के बाद पहली बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंचे हैं। और आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक 17 आईपीएल के मुकाबलों में 611 रन बनाए हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा है। महेंद्र सिंह धोनी पहले ऐसे विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पकड़े हों। फैफ डुप्लेसिस तीसरे खिलाड़ी बने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जिन्होंने 2500 रन बनाए हों आईपीएल के। फैफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक चेन्नई की तरफ से पार्टनरशिप करते हुए 599 रन बनाए हैं, जो इस साल के आईपीएल में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर हैं पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, जिन्होंने 550 रन बनाए हैं। और ऐसे और भी सारे रिकॉर्ड्स हैं जो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, अभी ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों कल महेंद्र सिंह धोनी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाकर मैच को खत्म किया और यह छक्का काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना, क्योंकि यह छक्का बिल्कुल साल 2011 में धोनी के द्वारा मारे गए वर्ल्ड कप वाले छक्के के जैसा ही था। बॉल स्टेडियम के पार चला गया। और अभी तक आपने नहीं देखा इस छक्के को तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी जाएं और देखें, क्योंकि हम यहां पर उस छक्के का वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है पंजाब किंग्स की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे पंजाब किंग्स को एक तगड़ा झटका लगा है, जहां पर क्रिस गेल ने पंजाब किंग्स को बायो बबल छोड़ने का फैसला किया है और आने वाले बाकी के आईपीएल के मुकाबलों में वह आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं इस सीजन। इसके पीछे उन्होंने वजह बताया है कि वह चाहते हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें वह फ्रेश रहें और खुद को उन्हें रिचार्ज करने का थोड़ा सा समय चाहिए। वैसे भी क्रिस गेल के जाने से पंजाब किंग्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला बात तो यह है कि उनका परफॉर्मेंस कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड था नहीं, ऊपर से पंजाब किंग्स वैसे भी प्लेऑफ में नहीं पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों कल के मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल में बड़ा उथल पुथल आया है। यह पॉइंट टेबल आप यहां पर देख सकते हैं और अब आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम को क्या करना पड़ेगा प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, जो आपको हम रोज बताते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स तो पहुंच चुके हैं प्लेऑफ में, दिल्ली कैपिटल्स बस एक मुकाबला और जीतकर पहुंच जाएंगे, बैंगलोर की टीम को बस एक मुकाबला जीतना है 3 मुकाबलों में से, कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 मुकाबले जीतने हैं 3 मुकाबलों में से, मुंबई इंडियंस को अपने 3 के 3 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, पंजाब किंग्स को भी अपने 3 के 3 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, राजस्थान रॉयल्स को भी अपने 3 के 3 मुकाबले जीतने पड़ेंगे और सनराइजर्स हैदराबाद आधिकारिक तरीके से प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। और आज के मुकाबले के बाद बहुत ही ज्यादा बदलेगा पॉइंट टेबल और प्लेऑफ का समीकरण, तो आप हमारे साथ बने रहें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आईपीएल को आप आईफोन पर देखें तो आपके पास मौका है इस बार एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलकर हर दिन आईफोन जीतने का। एमपीएल पर लूट मची है और यह एक बार का ऑफर नहीं है, रोज एक आईफोन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा इसके लिए पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों आज आपको आईपीएल का 45वां मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जो होगा पंजाब किंग्स और कोलकाता
कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। और आज का जो मुकाबला है वह पंजाब किंग्स का करो या मरो का मुकाबला है। तो क्रिस गेल ने साथ छोड़ ही दिया है, लेकिन खुशी की बात है कि मयंक अग्रवाल वापसी करेंगे जो पिछले मुकाबले में चोट की वजह से बाहर थे। इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स में भी आपको आंद्रे रसल की वापसी होते हुए दिखने वाली है और बाकी किसी तरह का कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इयॉन मॉर्गन को आज किसी भी तरह से अपनी बल्लेबाजी में डिलीवर करना पड़ेगा यदि ट्रॉफी जीतना चाहते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। तो वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आज का मुकाबला कौन जीतेंगे, पंजाब किंग्स या तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कल हार गए और अब उनके पास तीन मुकाबले और हैं खेलने के लिए। यदि वह तीनों मुकाबले हार जाते हैं तो फिर आईपीएल की सबसे बेकार टीम बन जाएंगे। यानी कि आज तक आईपीएल में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी टीम ने पूरे सीजन में सिर्फ दो मुकाबले ही जीते हों और बाकी के मुकाबले हार गए हों। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन और इयॉन मॉर्गन का जो झगड़ा हुआ था मैदान पर, पिछले मुकाबले में वह सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं रह गया है। अश्विन को ऑस्ट्रेलियन मीडिया चीटर कर रहे हैं, इसके साथ ही इंग्लैंड की मीडिया भी इयॉन मॉर्गन का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ उसके पीछे गलती था रविचंद्रन अश्विन का और यह एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। इस पर अश्विन ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके लिखा है कि मैदान पर क्या क्या हुआ था वह सब लिखा हुआ है वहां पर। वैसे इस झगड़े का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके बीच हुआ क्या था तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इलॉन मस्क कौन है। अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ था कि जिस दिन ग्लेन मैक्सवेल ने बेंगलुरु की तरफ से अर्धशतकीय पारी खेली थी उसी दिन टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था कि मैक्सवेल लाजवाब है, यानी कि मैक्सवेल इज इनक्रेडिबल। अब पूरी इंटरनेट की दुनिया हैरान हो गई कि आखिर इलॉन मस्क को आईपीएल में कब से इंटरेस्ट हो गया और उनको आईपीएल से क्या लेना देना। तो इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि उन्होंने एक साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के फोटो पर ट्वीट किया था मैक्सवेल इज इनक्रेडिबल। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईशान किशन काफी मायूस है मुंबई इंडियंस के कैंप में, वह अपने प्रदर्शन से निराश है। इसके पहले वाले मुकाबले में भी मैदान पर विराट कोहली उन्हें समझाते हुए दिखे गए थे और अब खबर आ रही है कि ईशान किशन सचिन तेंदुलकर के साथ रह रहे हैं ताकि तेंदुलकर उन्हें समझा सके और उनकी परेशानी को दूर कर सके। चलिए देखते हैं अपना नया अपडेट। दोस्तों आईपीएल 2021 का जो सीजन है वह पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हिट है। अभी तक 380 मिलियन का टीवी व्यूअरशिप आ चुका है पिछले 35 मुकाबलों में, जो एक तरह से स्पोर्ट्स की दुनिया में रिकॉर्ड है क्योंकि इतने सारे लोग फुटबॉल जैसे पॉपुलर मैच को भी नहीं देखते हैं। और इस बार का जो 380 मिलियन का रिकॉर्ड है वह पिछले साल के तुलना में 12 मिलियन ज्यादा है। और इस बात की जानकारी आधिकारिक तरीके से बीसीसीआई के जय शाह ने दी है और कहा है कि अभी तो और मुकाबला रोमांचक होना बाकी है जिससे और लोग आईपीएल देखेंगे। वैसे हर साल यह बताने वाली बात नहीं है कि जो करंट का आईपीएल होता है वह पिछले साल की आईपीएल से ज्यादा हिट रहता है। वैसे आईपीएल तो हिट रहता ही है, पर आप भी आईपीएल के जरिए खुद को हिट कर सकते हैं और एमपीएल पर टीम बनाकर करोड़ जीत सकते हैं। कल मैंने एमपीएल पर अपनी टीम बनाई थी और मैंने अच्छे खासे पैसे जीते थे और आज आप मेरी यहां पर टीम देख सकते हैं। आप भी मेरी जैसे टीम बनाओ और लाखों करोड़ों जीते एमपीएल पर। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अभी डाउनलोड करें। चलिए देखते हैं अपना दसवां अपडेट। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया में मशहूर तो हैं, साथ में सभी रिस्पेक्ट भी करते हैं उनका। और कल महेंद्र सिंह धोनी ने अपना साइन किया हुआ जर्सी राशिद खान को गिफ्ट के तौर पर दिया और बहुत देर तक दोनों ने बातचीत भी की। इसके पीछे दो वजह रह सकते हैं। सबसे पहले तो राशिद खान महेंद्र सिंह धोनी को अपना आइडियल मानते हैं और दूसरा है कि राशिद खान मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के हालात सही नहीं है। वैसे दोस्तों इस तरह के और भी कई सारे अपडेट्स आते हैं जो आपको हम वीडियो के जरिए नहीं बता पाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हर दिन आते हैं। और अभी तक अगर आपने एमपीएल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आईपीएल में आईफोन जीतने का मौका मिस ना करें। तो हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।